तो एक और सफर की शुरुआत करते हैं। तो अब तक आप लोगों ने अगर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, लिंक को शेयर कर लो। शाम के 6 बज रहे हैं और मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर है और हमको दिल्ली जाना निजामुद्दीन। तो मुंबई अमृतसर एक्सप्रेस लगी हुई है और रास्ते में कुछ मुसाफिर भी मिल गए जो हमारे साथ हमारी सीट पर है। तो हमारे साथ हमारी कंपनी होली है। तो हम ट्रेन में चढ़ते हैं अब और 24 घंटे की जर्नी है, लंबा सफ़र है। तो हम लोग तो लगभग ट्रेन के अंदर ही आराम करेंगे, रिजर्वेशन की टिकट है तो कोई उतना मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। अपनी सीट ढूंढते हुए जाकर सीट पर बैठेंगे और ये मुंबई हमने छोड़ दिया है। तो हम लोग अब मुंबई से निकलेंगे और सफ़र हमारा जारी रखेंगे और आप लोग हमारे साथ पूरे ब्लॉग में बने रहिए। तो सबसे पहले हमारा स्टॉप है दिल्ली निज़ामुद्दीन। तो हम निज़ामुद्दीन में रुकेंगे, फ्रेश होएंगे और हम लगभग रात को पहुंचेंगे। तो पूरी रात हम चेक इन करके होटल में हम आराम करेंगे और दूसरे दिन सुबह हम फिर अपना जर्नी ट्रैवलिंग घूमना चालू करेंगे दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में। तो आप लोग अंत तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। और काफ़ी अच्छे मुसाफिर यात्री मिल गए तो टाइम पास भी अच्छा हो गया बातचीत करते हुए। मुंबई के लोग हैं तो मुंबई की समझदारी होती है बातचीत में, तो यहाँ वहाँ की बातें करते हुए, चाय कॉफ़ी शेयर करते हुए, हर स्टेशनों पर रुकते हुए। और ये हम अब दिल्ली में उतर चुके हैं रात के वक्त और हम बाहर निकलते हुए स्टेशन से। तो हम अब जाएंगे, यहाँ से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है निज़ामुद्दीन की दरगाह, तो हम वहाँ पर जाकर चेक इन कर लेंगे। तो आओ आप सभी मेरे साथ निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह के दीदार कर लो, अपनी मन्नतें मांग लो, ज़ियारतें कर लो। और हम लोग भी अपनी मन्नतें मांग चुके, ज़ियारत कर चुके और सुकून से यहाँ पर प्रीमाइसिस में दरगाह की बैठे हैं। और हमने दरगाह के प्रीमाइसिस के अंदर ही होटल के रूम्स बने वो ले लिए थे, तो 500 रुपये 24 घंटे के हिसाब से मिलता है। हम नहा धोकर फ्रेश होकर दरगाह के अंदर आए, ज़ियारत की दुआएं मांगी और अब हम बैठे हैं यहाँ पर और नज़ारों को देखते हुए सुकून से। और बहुत ही शांति मन को लगती है, ऐसे सब होली प्लेसेस पे जाओ विजिट करो तो अच्छा लगता है। चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, कहीं भी जाओ, हाथ जोड़ो, मत्था टेको अपने हिसाब से। और ये निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे बड़े मुरीद आमिर खुसरो की मज़ार है। और निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह को 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक, जो उस वक्त के दिल्ली के शासक थे, उन्होंने बनवाया था। तो बहुत ही प्यारी जगह है, देखते ही बनता है, बोलने को शब्द कम पड़ जाते हैं, बस देखते रहो। और ये चीज़ का फॉलो करो कि जहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है वहाँ पर मोबाइल यूज़ मत करो, तो वो चीज़ का आपको फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर प्रीमाइसिस में तो शूट कर सकते हो पर दरगाह के अंदर, मज़ार के अंदर अलाउड नहीं है, तो उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। और आप लोगों के लिए ये ब्लॉग में मैं दिखाते हुए दरगाह को, तो जो कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा हो आप लोग आपकी मन्नतें मांग लो और मेरे साथ बने रहो। तो हमने यहाँ काफ़ी सब वक्त बिता लिया है, 1 से 1.5 घंटे हम दरगाह प्रीमाइसिस में बैठे सुकून से। तो अब हम यहाँ से निकलेंगे और निकलने का तो मन ही नहीं कर रहा, बस देखते ही बन रहा नज़ारे चीज़ों को। और अब हम यहाँ से निकलकर हम जा रहे हैं जामा मस्जिद की तरफ। तो हमें शेयर ऑटो कर लिया है और ये हमको लोकसभा भवन पूरी दिल्ली का घुमाते हुए लेके जा रहा है। हमने इंडिया गेट देखा और कहाँ कहाँ से गुजरते हुए अब हमको ये दिल्ली में लाल किले के पास छोड़ेगा। और 26 जनवरी आने को है तो थोड़ी सिक्योरिटी टाइट है लाल किले के पास, पूरा सन्नाटा फैला हुआ है, पब्लिक का वहाँ तक जाना वर्जित है। और वैसे लाल किले की टिकट है 80 रुपये, तो आप 80 रुपये में अंदर से लाल किले को घूम सकते हो। पर 26 जनवरी आने को है तो थोड़ा सिक्योरिटी हाई है, तो कोई बात नहीं, हमको तो यहाँ अभी जामा मस्जिद की तरफ जाना है। तो यहाँ से पैदल 5 से 7 मिनट में हम चलकर जामा मस्जिद को पहुँच जाएंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो ब्लॉग में और देखो होली प्लेसेस जो। तो हमको 5 से 7 मिनट लगे हम लाल किले से पैदल पैदल घूमते घूमते चलकर यहाँ जामा मस्जिद को पहुँच गए। और यहाँ पर जामा मस्जिद के बाहर सारी चीज़ें आपको सस्ते दरों पर खाने को मिल जाएगी, वेज नॉन वेज, स्वीट्स, फ्रूट, सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो हम थोड़ा नाश्ता करते हैं यहाँ पर रुककर और अब हम अंदर को जाएंगे मस्जिद के अंदर। तो हम लोग थोड़े देर के लिए ठहरे हुए हैं बाहर और देखते हुए नज़ारों को पूरी आँखों में कैप्चर करते हुए, इस कोने से उस कोने तक, बहुत ही विशाल है, बहुत ही भव्य है। तो एक नज़र में आपके आँखों में नहीं बस सकता, तो रुककर थोड़ा ठहर कर देखना पड़ता है। और अब हम जाते हुए ऊपर, और यहाँ पर एक चीज़ फॉलो करें, चप्पल अंदर अलाउड नहीं, तो चप्पल बाहर निकाल दे, आपके जूते चप्पल जो भी हैं वहाँ पर।
और ये अब हम अंदर जाते हुए, और ये जो बाहर का दरवाजा है, आप यहाँ से अंदर को देखोगे तो आपको एक दीवार सी लगेगी, पर जैसे आप पैदल पैदल अंदर चलकर जाओगे ना देखो ऐसे, तो ये पूरी मस्जिद उभरते जाएगी इस कोने से उस कोने तक। और ये मुगल आर्किटेक्ट की बहुत खासियत थी, जिसे ताजमहल में भी इस्तेमाल किया गया है ये चीज को मुख्य दरवाजे पर, और ये पूरा आपकी नजरों में बैठ जाता है एक ही झलक में, तो बहुत ही प्यारा लगता है, खूबसूरत। और सनसेट होने को है तो और ही नज़ारे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त, और पब्लिक है। एक ज़माने में एशिया की ये सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी, और इसे उस समय के बादशाह शाहजहां ने बनवाया था, शाहजहानाबाद, जिसका नाम दिल्ली बाद में रखा गया। तो शाहजहानाबाद के सबसे ऊंचे एरिया में ये मस्जिद को तामीर करवाया गया, और इसका आर्किटेक्ट बहुत ही खूबसूरत है, इंडियन, अरेबिक, पर्शियन, तुर्क और बहुत सारे कंट्रीज के आर्किटेक्ट को मिक्स कर बनाया गया है इसको, और देखते ही बनता है इस कोने से उस कोने तक। और लोग कभी कभी सेल्फी फोटो के जमाने में भूल जाते कि ऐतिहासिक जगहों का, पवित्र जगहों का उनको ये करना, क्या बोलते, उनको फॉलो करना चाहिए रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट भूल जाते फोटोग्राफी के चक्कर में और कहीं भी चढ़ जाते, तो ये गलत बात है। और यहाँ पर थोड़ी बहुत तो सिक्योरिटी अंदर होनी चाहिए, जो लोगों को समझाना चाहिए कि ये चीज मत करो, ये गलत है, क्योंकि लोग भूल ही जाते हैं सच में। और गंदगी तो फैलाने में कमी नहीं करते, प्लास्टिक की बाटलें हो, रैपर्स हो, लेस के या कोई कुछ चीज खाके वहीं पर डाल देते हैं। तो ये मैं अपने ब्लॉग्स में बार बार बोलता हूँ कि कहीं भी जाओ गंदगी मत फैलाओ, कूड़ेदान में अपना कचरा डालो। इतनी प्यारी चीजें बनी हैं, उनको देखो, उनकी खूबसूरती को देखो आप। और इसे जुम्मा मस्जिद भी बोलते हैं, क्योंकि उस जमाने में जितने भी बादशाह थे जुम्मे की नमाज अता करने को इस मस्जिद में आते थे, और एक वक्त तक ये एशिया की सबसे लार्जेस्ट मस्जिद हुआ करती थी। और देखते ही बनता इसका आर्किटेक्ट। और दिल्ली में आने का महत्व यही है कि यहाँ पर जो ऐतिहासिक चीज़ है, पुरातन चीज़ें है, उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उस वक्त पर, उस जमाने में लोगों ने कैसे कैसे चीज़ें बनाई थी। और बार बार मैं बस पलट पलट कर देखते हुए, और आप लोग भी देख लीजिए, अगर आपका दिल्ली आना नहीं हुआ कभी तो आप लोग मेरे ब्लॉग के थ्रू नज़ारे देख लीजिए, दीदार कर लीजिए। और काफ़ी समय बिताने के बाद अब हम लोग बाहर निकलते हुए यहाँ से, तो अब हम लोग बाहर की तरफ जाएंगे, चांदनी चौक की तरफ। तो आज पूरे दिन में हमने निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह और जामा मस्जिद को विजिट किया है, और अब हम जाएंगे चांदनी चौक की तरफ। बाजार को शाम का वक्त है, अंधेरा होने को, तो विजिट करेंगे और चीज़ों को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ।